अब बात करेंगे 24 घंटे पहले तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन, अब पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लोकसभा चुनाव से पहले हुई गिरफ्तारी ने देश के सियासी पारे को चढ़ा दिया है। इसके बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, जिन्हें ईडी पूछताछ के लिए 5 बार समन जारी कर चुकी है, लेकिन केजरीवाल 1 बार भी हाजिर नहीं हुए। जमीन घोटाले से जुड़े मामले में फंसे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया। ईडी ने सोरेन को अरेस्ट कर लिया है। इससे पहले जेएमएम नेता ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोरेन को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी है। सोरेन के इस्तीफे के बाद अब राजनीति गर्मा गई है। तमाम विपक्षी पार्टियां एक स्वर में बीजेपी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इसको लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। जिस प्रकार से चुनी हुई सरकार को फर्जी केस में फंसा फंसा कर सभी, चाहे विपक्ष जितने नेता हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो ये प्रजातंत्र की हत्या की कोशिश है। और बिना विपक्ष के ये लोग देश चलाना चाहते हैं। एक तरफ सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां बीजेपी को घेर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई बता रही है। साथ ही पार्टी सोरेन के साथ खड़े नेताओं को भ्रष्टाचारियों का कुनबा बता रही है। मुझे लगता है कि मैं इस पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता, लेकिन कांग्रेस को कहना चाहता हूँ कि विकास के इस अभियान में वो अपने आप को शामिल करें। कांग्रेस को तो बोलने का अधिकार ही नहीं, जिन्होंने जेल में डालकर लोगों को सरकार चलाई, अब जेल से सरकार चलाने का इरादा रखते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ने पूरे देश के सियासी गलियारे की सरगर्मी बढ़ा दी है। हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। दिल्ली की निरस्त आबकारी नीति को लेकर सीएम केजरीवाल भी ईडी की जांच के दायरे में हैं। दिल्ली शराब नीति के मामले में संजय सिंह और मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में बंद हैं। सत्येंद्र जैन भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी हैं। लोकसभा चुनाव से पहले करप्शन और घोटाले को लेकर हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई चुनाव प्रचार के दौरान बड़ा मुद्दा बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।